सो फाइनली इट इज डन दोस्तों, गाड़ी के अंदर यूट्यूब चल गया एंड आप देख पा रहे हैं मेरी कार के अंदर सोनेट एसटीएक्स के अंदर मेरा यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका होस्ट अमित त्यागी, मेरे चैनल दी बार गाइड में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, लेके आया हूं आज आपके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो, क्योंकि आज मैं आपकी कार के अंदर चला के दिखाने वाला हूं एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू यूट्यूब। क्या मैं कहना चाहूंगा, आपकी कार स्ट्रीमिंग ऐप में चलाने वाला हूं, जिसके थ्रू आप यूट्यूब के अलावा गूगल सर्च भी कर सकते हैं एंड मल्टीपल वेबसाइट भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि उसके बहुत छोटे छोटे से स्टेप हैं। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आप नहीं चला पाएंगे और आपका फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे पास आ रहा होगा कि सर हमारे फोन में ये नहीं चल रही है। तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड, इसके लिए आपको किसी भी तरह के पीसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फोन को रूट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रूटिंग के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बट रूट के बाद आपके फोन का सारा मेमोरी, सारा डाटा खत्म हो जाता है, फोन वाइप ऑफ हो जाता है। तो नो रूटिंग रिक्वायर्ड, नो पीसी रिक्वायर्ड। सिर्फ एक सिंपल से आपने कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, एक ऐप डाउनलोड करनी है एंड उसके बाद सिंपल स्टेप फॉलो करने के बाद एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू आप अपने फोन में कार स्ट्रीमिंग ऐप चला पाएंगे एंड यूट्यूब चला पाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं वन बाय वन, सारे प्रोसेस सारे स्टेप आपको दिखाऊंगा, आप उनको ध्यान से देखते चलिएगा। एंड लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा एंड प्रोसेस आप यहां मेरी वीडियो में देख लीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपने अपने सर्च इंजन में जाना है, गूगल पे या क्रोम ब्राउजर में जाना है अपने फोन के, एंड आपने सर्चिंग करनी है। लिंक उसका मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक ऐप है ट्रिपल ए डी, आपने ऐप डाउनलोड करनी है। खाली ऐप डाउनलोडिंग के अलावा आपने वन बाय वन बहुत सारे स्टेप फॉलो करने हैं, तो आपने इसका लेटेस्ट वर्जन जो आपको दिख रहा हो वो आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए आपने यहाँ नीचे एसेट में जाना है एंड ये जो APK फाइल आपको नजर आ रही है, ये APK फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये ऐप आपकी डाउनलोड हो रही है, तो आप ये देख पा रहे होंगे ये ऐप आपकी डाउनलोड हो गई है। अब आपने ओपन करनी है, ओपन करके आपने इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे, ये कुछ अटेंशन आएगी, इसको आप ओके करेंगे। उसके बाद आपको इस अननोन जो ऐप है, यूजुअली फोन के अंदर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अननोन ऐप इंस्टॉल नहीं होती है, तो आपने अननोन ऐप्स को अलाउ करना है। उसके बाद आपने दोबारा से AAA में जाना है एंड आपको यहां पर कुछ मल्टीपल ऐप डाउनलोड करने के ऑप्शंस दिखाई देंगे। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस AAA के थ्रू फ्री वर्जन में सिर्फ एक मंथ में एक ही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे ज्यादा ऐप आपने डाउनलोड करनी है तो आपने इसका प्रो वर्जन बाय करना पड़ेगा, वो पेड बेसिस पे है। उसके अलावा आप फ्री वर्जन में सिर्फ एक मंथ में एक ही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सबसे ऊपर जो कार स्ट्रीम ऐप नजर आ रही है, आपने ये डाउनलोड करनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर चुका हूं, तो मेरे यहां नीचे लिखा रहा है यू हैव नो डाउनलोड रिमेनिंग। अगर आपका रिमेनिंग सिर्फ एक अटेम्प्ट 30 डेज के लिए होता है, उस 30 डेज में सिर्फ एक अटेम्प्ट में आप एक ही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो कार स्ट्रीम ऐप यहां से डाउनलोड करेंगे आप एंड डाउनलोड करने के बाद आपने उसको भी इंस्टॉल करना है अपने फोन के अंदर। वो इंस्टॉल होने के बाद आपने कुछ छोटे से चेंजेस करने हैं अपने एंड्रॉयड ऑटो में। मैं आपको दिखा देता हूं आपने वो क्या चेंजेस करने हैं। वेरी सिंपल है, आप एंड्रॉयड ऑटो में जाएंगे एंड एंड्रॉयड ऑटो में आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप जाएंगे, सबसे नीचे आपको वर्जन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे 6-7 बार तो आपके डेवलपर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। मेरे बाय डिफॉल्ट डेवलपर ऑप्शंस ओपन है, क्योंकि मैं तो आप राइट साइड ऊपर और जो है यहाँ पर आप क्लिक करें। आप ये डेवलपर सेटिंग में जाने के बाद आपने सबसे नीचे जाना है अननोन सोर्सेज और इसको टिक। डेवलपर सेटिंग्स में जाके आपने सबसे नीचे जो अननोन सोर्सेज है उसको टिक करना है एंड सबसे ऊपर आपके एप्लीकेशन मोड में आपको डेवलपर सेलेक्ट कर लेना है।
ये इतना छोटा सा आपने चेंज करना है अपने एंड्रॉयड ऑटो के अंदर। ये सारे काम करने के बाद आपके फोन के अंदर जो कार स्ट्रीम ऐप डाउनलोड हो गया था, अब आपने उसको एक्टिवेट करना है। मैं आपको वो भी करके दिखा। ये कुछ इस तरह से आपकी कार स्ट्रीम ऐप दिखती है, एंड ये आपका AAAD जो हमने डाउनलोड किया था, एंड उसके थ्रू हमने कार स्ट्रीम ऐप डाउनलोड की है। अब आपने अपने फोन को वायरलेसली कनेक्ट करना है अपने सिस्टम के साथ, एंड वायरलेस कनेक्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना ही चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो उसके लिए आपने अपने फोन का वाईफाई ऑन करना होता है, एंड मैं ये अपने फोन का वाईफाई ऑन कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैंने अपने सिस्टम पे यहाँ टच करना है एंड कनेक्ट कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी कनेक्ट होने में। सो हियर इट इज कनेक्टेड। एंड आप ये देखिए, मेरी कोई वायर कनेक्ट नहीं है, ये मेरा फोन रखा हुआ है वायरलेसली। मैं इसको करके आपको दिखा रहा हूँ। ये फोन मेरा है, ये मैंने यहाँ रख दिया, एंड ये मैंने अपना एंड्रॉयड ऑटो टच किया। यहाँ इसके मेन्यू में गया, एंड हियर इज द कार स्ट्रीम ऐप। जो कार स्ट्रीम ऐप हमने AAAD के थ्रू अपने फोन के अंदर डाउनलोड की थी, वो कार स्ट्रीम ऐप यहाँ है, और इसके थ्रू मैं अभी YouTube आपको यूज करके दिखाता हूँ। हेयर इट इज। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है फ्रेंड्स, एंड क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैं कोई दूसरा कंटेंट आपको प्ले नहीं करके दिखा पाऊंगा, सिर्फ अपने ही YouTube चैनल की आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। हेयर इट इज। स्वागत है, फिर एक बार लेके आया हूँ आपके लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को तो आप इसमें ये सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। आपने YouTube पे कुछ भी सर्च करना है तो आपने यहाँ टच करना है, एंड आप इसमें जो भी करेंगे सेम यही आपका कीबोर्ड आपके फोन पे भी एक्टिव हो जाएगा। यानी कि आप फोन से भी जो टाइप करेंगे वो आपके कीबोर्ड पे वहां भी रिफ्लेक्ट होगा। हियर इट इज। अब मैं इस पे मान लीजिए कोई गाना डालता हूं, या अपना ही एक बार दोबारा से आपको सर्च करके दिखा देता हूं। ये मैंने यहां टाइप किया, वहां भी टाइप हो गया, एंड मैं सर्च करूंगा तो वहां भी सर्च हो जाएगा। ये देखिए, अगेन मेरा चैनल दोबारा से यहाँ मैंने सर्च कर लिया है। तो इसी तरह से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो आप सर्च करना चाहते हैं, एंड हियर इट इज। तो ये तो YouTube सर्च हो गया। उसके अलावा आपने कुछ और सर्चिंग भी करनी है अगर, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप गूगल यहाँ से प्रॉपर आप एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड आपने कोई भी सर्चिंग करनी है, लेट्स सपोज टुडेज न्यूज। सो हियर इज द गूगल, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। आपने फेसबुक ओपन करना है, यूट्यूब ओपन करना है, इंस्टाग्राम ओपन करना है, जो भी आप चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं। ये इंटरनल स्टोरेज, यूट्यूब टीवी, आपको यहाँ करंट साइट अपनी ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, एंड उसके अलावा ये प्लेक्स टीवी, आई डोंट नो क्या है, मैंने भी इसको चेक नहीं करके देखा। तो आप ये करंट साइट आप जो भी है वो आप यहाँ, लेट्स सपोज आपने यहाँ गूगल अभी ओपन किया है, उसके अलावा आपने कोई इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी ओपन किया था, आप उसको यहाँ करंटली ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ही फीचर्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता है कि वाइल्ड ड्राइविंग आप यूट्यूब ना चलाएं या कोई भी वीडियो ना देखें, क्योंकि वो सेफ्टी के कुछ रीजंस हो जाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे सारे ही यूट्यूब के फीचर्स इसमें यहाँ चल पा रहे हैं, एंड दिस इज द कार स्ट्रीम ऐप। ये इसका होम पेज है, दिस इज द कार स्ट्रीम ऐप। बिल्कुल यूट्यूब की तरह ही ये काम कर रही है, एंड जो भी आपने वीडियो सर्च करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, एज आई शोड यू। तो ये कुछ वो सिंपल स्टेप थे फ्रेंड, जिनको फॉलो करने के बाद आप अपने फोन के थ्रू स्क्रीन मिररिंग करके कार स्ट्रीमिंग ऐप के थ्रू अपने सिस्टम के अंदर
यूट्यूब यूज कर सकते हैं, कार स्ट्रीमिंग ऐप यूज करते हैं, गूगल यूज कर सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप चला सकते हैं अपने टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम के ऊपर। ये तो दोस्तों मैंने वायरलेसली आपको कनेक्ट करके दिखाया, वायर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो जिन वेरिएंट के अंदर वायरलेस फोन प्रोजेक्शन नहीं आता वो उसमें वायर के थ्रू कर सकते हैं। अभी मैं वायर कैरी नहीं कर रहा था तो दैट्स व्हाई आई शोड यू वायरलेसली। एंड दोस्तों इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत टाइम से इस पे लगा हुआ था, एनी हाउ बहुत सारे ऐप, बहुत सारे डिफरेंट ट्राई करने के बाद तब कहीं जाके फाइनली ये चला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ऐसी बहुत सी ढेरों वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उनको देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, एंड आपके जो भी राय है या कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।